हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है डेलॉयट, असेंचर और पेटीएम की तरफ से। इसमें डिफरेंट प्रोफाइल के लिए डिफरेंट पासिंग ईयर से लेकर डिफरेंट ग्रेजुएट एलिजिबल होने वाले हैं। सभी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर में किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह की कोई भी वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियो कवर कर रखी है, ऑफ कैंपस हायरिंग हो चाहे जो मर्जी हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई भी अपडेट आई हो, वीडियो ज़रूर बनी है। उसके अलावा भी ना प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी के अकॉर्डिंग, चाहे टेक महिंद्रा हो, कैपजेमिनी हो, कॉग्निजेंट, विप्रो, जो हो, असेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी से कोई भी डाउट होता है तो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इन्फोसिस का तो हर एक डाउट हमने जो प्लेलिस्ट देखो अराउंड सबसे ज़्यादा कंबाइन कर दें, ये देखो जितनी अलग इन्फोसिस अलग और बाकी कंपनियाँ जितने भी हैं सारी अलग देख सकते, 237 वीडियोस हैं यहाँ पे। तो आपका जो भी डाउट होगा ना कि कोई भी हो तो एक बार आप गो थ्रू जरूर होना इन्फोसिस की प्लेलिस्ट से, अगर आपको इन्फोसिस से कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट। तो जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की, ये तीन अपॉर्चुनिटी हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों से डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, ठीक है। तो एक है आपकी ये पेटीएम, दूसरी असेंचर, तीसरी है डेलॉयट। सबसे पहले हम पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम की जो लोकेशन होने वाली है, जॉब लोकेशन, वो है नोएडा, मुंबई और बैंगलोर की। रीजनल ऑपरेशन जूनियर मैनेजर, मतलब कि फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल होने वाले हैं और ये वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा फॉर्म है, वन बाय वन सारी चीजें देख के पढ़ के फिल कर देना। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपकी कोई भी ग्रेजुएट, लोकेशन बैंगलोर, डेजिग्नेशन आपके कस्टमर सर्विस एसोसिएट की होने वाली है। स्किल सेट जो रिक्वायर है वो जो आपके लिए ज्यादा कुछ यहाँ पे मांगा नहीं गया है, ठीक है। बाकी आप पढ़ जरूर लेना कि आखिर इसमें क्या मांगा गया है, मतलब किस तरह का जॉब प्रोफाइल होने वाला है। जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ देख पा रहे हो, एक्सपीरियंस बिल्कुल ना के बराबर है। कोई भी ग्रेजुएट चाहे आप 17, 18, 19, 20, चाहे बीटेक, एमटेक, बीकॉम, बीबीए, किसी से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये थी हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी। थर्ड अपॉर्चुनिटी है डेलॉयट की तरफ से जो होने वाली है एनालिस्ट की, और लोकेशन आपकी हैदराबाद, तेलंगाना की है। और यहाँ पर सीधे चलते हैं हम स्किल सेट की तरफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल प्रेफर्ड पे हम आए, ये तो रिक्वायर्ड है, प्रेफर्ड में देख सकते हो। एडवांस एमएस एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, टैबलो जो कि पावर पॉइंट का एक्सटेंडेड वर्जन होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल और आपकी जो बैचलर डिग्री है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मतलब इनमें से मतलब कोई मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग एलिजिबल होने वाले हैं। तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए और उसके अलावा उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपने कभी काम किया हो। तो बस अगर आप तीनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।